कैसे हैं आप लोग। आज से मैं साइंस का नया सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। आज मैं आपको क्लास 10 चैप्टर 1 से शुरू करने वाला हूँ। और हमारा स्ट्रेटजी ये रहेगा एनसीईआरटी को पूरा कवर करना, और एनसीईआरटी में प्रत्येक लाइंस को पढ़ना और उससे जितने भी प्रश्न आते होंगे उन्हें बताना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यह हमारा फर्स्ट वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 10 का। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जैसे कि आप हेल्प बुक से पढ़ते हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं या फिर अदर बुक्स से पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी बहुत कम ही लोग पढ़ना चाहते हैं, तो मैं एनसीईआरटी को ही सिर्फ आपको कवर कराऊंगा। और हेल्प बुक से भी कुछ मैं सहायता लूँगा आगे के चैप्टर्स में, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो सकें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक वाट हैपेंस वेन। यह लाइन बोलता है कि कुछ कंडीशंस जो डेली लाइफ में आपके होते हैं उसे कंसिडर करिए। जैसे पहला, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। यदि हम लोग दूध को गर्मी के दिनों में सिर्फ रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, या फिर बोलें कि फ्रिज में ना रख के उसे बाहर रखें, तो क्या होगा? एन आयरन तावा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। यदि एक आयरन नेल है उसको आप ह्यूमिड एटमोसफेयर में छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है, तो वो क्या होता है? फूड इज़ कुक्ड। यदि फूड को खाना को पकाया जाता है तो उससे क्या होता है? फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। यदि फूड का डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है तो वो क्या होता है? वी रिस्पायर। हम लोग जब रिस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है? ऑल इन ऑल द एबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस हैव सम वॉट चेंज्ड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे प्रक्रिया यदि होती है तो पहले वो सब्सटेंस तो कुछ था और अब उसका आइडेंटिटी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, और उसकी सारे जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो क्या होने लगते हैं? चेंज होने लगते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो जैसे कि पीछे क्लासेस में आपने फिजिकल चेंज पढ़ा होगा और केमिकल चेंज पढ़ा होगा, जो कि हम लोगों को यहाँ भी पढ़ना है। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस। तो अब देखिए, अब यदि केमिकल चेंज हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आइए मैं एक आम भाषा में आपको समझाता हूँ कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। फिजिकल चेंज हम लोग उसे कहते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पदार्थ, कोई सब्सटेंस केमिकली चेंज नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे आपने पढ़ा होगा कि यदि एक मोमबत्ती को जलाया जाए तो वो जो मोम है पहले तो सॉलिड स्टेट में था और उसके बाद जलने के बाद मान लीजिए वो लिक्विड बन जाता है। या फिर आपका वाटर है, वाटर को जब आप तीन स्टेजेस जानते हैं, आइस हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है? आइस में जब आप हीट देंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर लिक्विड हो जाएगा, जो कि वाटर का फॉर्म कहते हैं, और उसको जब हीट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वेपर हो जाएगा। तो ये है फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है? बड़ा ही आसान है, बस एक वर्ड का आंसर है। जब किसी भी चीज़ का केमिकल कंस्टिट्यूएंट बदल जाए या केमिकली वो चेंज हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। इसका मतलब पहले वह केमिकली कुछ चीज़ और था, अब वह कुछ और चीज़ हो गया है, तो उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। इतना आसान है। तो यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनता है। मैं आपको प्रश्न बताते चलूँगा कि एग्ज़ामिनेशन में आखिर कौन से प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और यदि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ से कोई खास प्रश्न आपके लिए नहीं बनता है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू वाट इज एक्यूरेटली मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे मैंने बताया केमिकल चेंज, क्या बताया? केमिकल चेंज। तो अब हम लोगों को पढ़ना है उसी वो केमिकल चेंज कैसे हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये सीधा सा मतलब है, जब केमिकल रिएक्शन होगा मतलब कोई सब्सटेंस में केमिकल चेंज होगा, मतलब कोई भी पदार्थ में केमिकल चेंज होगा।
लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हर एक चीज़ क्लियर नहीं होती है। आप 10 लाइन पढ़ेंगे तो आपको एक बात मिलेगी, इसीलिए कोई एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहुत बातें सिर्फ आपको 1 से 2 लाइन में ही मिल जाती हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ाएं। यहाँ आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी, आप देख सकते हैं एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, क्लीन उसे साफ़ किया गया है, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा है और उसे हम लोग सैंड पेपर से साफ़ कर लेते हैं। एक मैग्नीशियम रिबन देख लीजिए, उसे हम लोग सैंड पेपर से साफ़ कर लेते हैं। आगे के जो टेक्स्ट है या फिर कहेंगे जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है उसमें एक प्रश्न आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले उसे साफ क्यों किया जाता है। तो उसका आंसर भी मैं बताता हूँ आपको। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, सीधे सीधा ये मैं बता देता हूँ आपको कि आपको मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, जलाना है, उसी के लिए यह प्रयोग किया गया है। तो मैग्नीशियम रिबन आप देख सकते हैं यहाँ पे लेके हम लोग टंग की सहायता से उसको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। और जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट कलर का ये पाउडर यहाँ पे गिर रहा है, इसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन को जलाया किसकी उपस्थिति में जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो क्या हो गया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले था ये मैग्नीशियम और अब क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब पहले कुछ और केमिकल था, अभी कुछ और केमिकल है, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन। और इसमें जो हमारा पदार्थ है वह बदल गया, केमिकली वो क्या हो गया, चेंज हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। और इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ तो उसी वहाँ पर जो सारी बातें हैं बस मैं वही आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये बोलता है कि मैग्नीशियम को आप जब जलाते हैं तो उसके पहले रब क्यों किया जाता है। तो यदि मैग्नीशियम को छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब लेयर बन जाता है तो उसे हटाने के लिए हम लोग उसे क्या करते हैं, रब करते हैं, ताकि मैग्नीशियम को जब जलाया जाए तो वो आसानी से जले। चलिए अभी नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। तो यह प्रयोग जो मैंने आपको दिखाया वही है कि यह वाइट पाउडर के रूप में बदल जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलिए अब आगे आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि वाट हैपन्स वेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन अ फ्लेम और इज बर्नड। सीधे सीधा है कि वाट हैपन्स वेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो क्या होता है। तो जो जो प्रश्न आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लें। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो इसका आंसर यही है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और यहाँ पे रिएक्शन होता है किसके बीच में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में होता है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, जैसा आप सभी जानते हैं। इसके बाद देख लीजिए, टेक अ एक और एक्टिविटी दिया गया है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुल्स इन कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। तो आप ये कहाँ जिंक ग्रैनुल्स ले सकते हैं और यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैनुल्स के बाद इसमें क्या करना है आपको, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब डाइल्यूट HCl या H2SO4 या आपको यहाँ क्या करना है, डालना है। तो आप देखेंगे कि इससे क्या निकलेगा, H2 गैस निकलता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ एक और प्रश्न है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रत्येक लाइन से आपको प्रश्न बनाना है और उसका उत्तर भी देख लेना है। तो ये आगे के चैप्टर्स में भी आपको पढ़ना है, एसिड के चैप्टर में भी ये पढ़ना है। तो दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन ये है व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रैनुल्स रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट H2SO4 और HCl। तो आप पॉज करके प्रश्न को लिखते जाएं और आंसर तो आपको मैं बता ही रहा हूँ। प्रश्न ये है व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रैनुल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 और HCl। तो इसका आंसर सीधा सीधा है, H2 गैस निकलता है। क्या निकलता है, H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं पहले था जिंक ग्रैनुल्स
थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, जिंक ग्रैनुअल्स, पहले क्या था, जिंक ग्रैनुअल, और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 से, और उसके बाद क्या बना देता है, ZnSO4, और प्लस क्या देता है, H2 गैस देता है। तो यदि ये H2 गैस देता है तो पहले तो जिंक था, अब ये जिंक नहीं रह गया, अब ये ZnSO4 बन गया। इसका सीधा मतलब है कि केमिकल चेंज हो गया, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम और आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द एवव थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो यहाँ से एक और प्रश्न जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, यदि आप CBSE बोर्ड से हैं तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यह प्रश्न आप लिख लें, प्रश्न ये है, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस और नॉट। वे कौन से ऑब्जर्वेशन है जो कि ये बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है तो क्या क्या हो सकता है, पहला है तो स्टेट चेंज, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो सकता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ सकता है। कलर उसका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, पहले कुछ और कलर था, जैसे नेल का कलर आप देख सकते हैं, नेल का कलर पहले कुछ और होता है और जब इसमें जंग लग जाता है तो उसका कलर बदल जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यहाँ जो आपने प्रयोग देखा इसमें H2 गैस निकलती है, तो ये भी क्या है, इसका पहचान है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको करने पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट का फॉर्मेशन होता है, या बहुत ऐसे रिएक्शन है जहाँ पे हीट की आवश्यकता होती है। तो ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आगे के पेजेस में। तो ये है सारे वे ऑब्जर्वेशन जो कि बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर के रूप में पूरे NCERT को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि आखिर एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न आता है, इन टेक्स्ट प्रश्न कौन कौन से आते हैं। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि varieties of chemical reactions हैं जो कि हमारे चारों तरफ environment में हो रहे हैं। We'll study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो वही हम लोगों को इस chapter में पढ़ना भी है जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं chemical equation। इसके पहले के पार्ट को आप ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको यहाँ सारी बातें समझ में आ सकें। तो इसके पहले जो हम लोगों ने देखा, जो भी पढ़ा, उसमें देखा एक्टिविटी 1.1। उस एक्टिविटी में हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा था, तो उसी को आगे डिस्क्राइब किया गया है। आइए हम लोग लाइन बाय लाइन और पढ़ते हैं और सारे प्रश्नों को देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आते हैं। हो सकता है कि आपको केमिकल इक्वेशन की जानकारी हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं, इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दें। और यदि आप NCERT में यह जानना चाहते हैं कि प्रत्येक लाइन में क्या लिखा हुआ है तो आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो एक्टिविटी 1.1 जो हम लोगों ने किया उसे इस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। कैसे, When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. देखिए यह एक बड़ा सा लाइन दिख रहा है आपको। तो जो एक्टिविटी 1.1, इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शंस जो हम लोगों ने कराया, एक केमिकल रिएक्शन जो हम लोगों ने कराया उसे हम लोग एक इतने बड़े लाइन से वर्णन कर सकते हैं। तो क्या इस बड़े से लाइन को छोटा भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल छोटा किया जा सकता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, ये इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन देना बहुत ही लंबा है। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। तो सबसे अच्छा, इससे अच्छा क्या, इतने बड़े वाक्य को बोलने से अच्छा है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए। और वही आप देख सकते हैं, इसको हम लोग वर्ड्स में यहाँ लिख रहे हैं इस प्रकार से, और इसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशन, यहाँ एरो साइन दिया हुआ है, यहाँ है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और इन्हें क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं,
वे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं, और वे पदार्थ जो कि केमिकल रिएक्शन में बनते हैं उन्हें हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो इन्हें हम रिएक्टेंट कहेंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ से आप एक प्रश्न लिख लीजिए, यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये पहले भी एक बार मैंने प्रश्न आपको बताया, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, ये पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। और ये दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर से मैं लिखवा देता हूँ, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्नड इन ऑक्सीजन, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्नड इन ऑक्सीजन, राइट अ केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन लिखें। तो आप आंसर में क्या है, आंसर में आपको यही लिख देना है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए तो मैं आपको प्रश्न भी बताता चलूँगा, आंसर भी बताता चलूँगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये तो मैंने सारी बातें आपको बता दी, तो आप आगे वीडियो को बढ़ा सकते हैं या फिर आपको मन है तो मेरे साथ पढ़ें। The substance that undergo chemical change in equation 1. reaction 1.1 magnesium and oxygen are the reactants. ये मैंने बताया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो ये वर्ड इक्वेशन जो हम लोगों ने लिखा है, बीच में हम लोग क्या देते हैं, एरो, ये है रिएक्टेंट्स और ये क्या है, प्रोडक्ट्स। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, LHS में क्या लिखा था हम लोगों ने, रिएक्टेंट्स लिखा था विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम, इनके बीच में हम लोग प्लस लगा देते हैं, और यदि यहाँ पे कुछ और बने तो यहाँ भी हम लोग प्लस लगा सकते हैं। सिमिलरली द प्रोडक्ट्स आर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड RHS विद द प्लस साइन बिटवीन देम, द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, ये एरो हेड दिखाता है कि रिएक्शन इस साइड से इस साइड की ओर हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप ये सारी चीज़ें जानते हैं तो आगे भी आप बढ़ सकते हैं, या फिर यदि आप प्रत्येक लाइन को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ आप बने रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं। तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, तो ये मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, जैसे हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बोला कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए ये बात हम लोगों ने कैसे लिखी थी, ऐसे लिखी थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यही देख सकते हैं आप, ये शॉर्ट फॉर्म इसका है, Mg प्लस O2 से क्या बन गया, MgO। तो यहाँ से यहाँ तक कोई खास पॉइंट्स नहीं है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उन्हीं को ये वर्णन किया गया है कि अब हम लोग जो वर्ड इक्वेशन है उसको हम लोग फॉर्मूले के द्वारा या फिर उसको सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम को हम लोग Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, O2 एलिमेंटल फॉर्म है, इसे O से नहीं बल्कि O2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो, इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ द साइड्स, इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम एज बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। चलिए अभी एक और क्वेश्चन आ गया, वह है, आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। प्रश्न लिख लीजिए, व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, लिख लीजिए आप पॉज करके वीडियो को कि व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। चलिए मैं दिखाता हूं आपको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। चलिए अब NCERT से थोड़ा सा अलग हम लोग हटते हैं और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या फिर सारी बातों को देखते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा Mg प्लस O2, इससे क्या बनता है, MgO।
तो यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इसे आगे बढ़ें, नहीं तो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है ये Mg क्या है, एक एलिमेंट है। O2 क्या है, ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म है। और MgO क्या है, यह एक कंपाउंड है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ आपको देखना है, पहले तो आपको एटम्स गिनने होंगे, या फिर आपको एटम गिनने आने होंगे, आना चाहिए, और दूसरा आपको मॉलिक्यूल गिनना आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के यहाँ 1 एटम है। कितना एटम है? 1। और ये ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ O का कितना एटम है? 2। यहाँ MgO एक कंपाउंड है, या फिर बोलेंगे एक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। यहाँ यदि आगे 1 लिखा हुआ है तो कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ MgO में Mg कितना है? 1। और ऑक्सीजन भी कितना है? 1। ये पहले आपको जानना होगा कि कभी भी, जैसे मैं लिख देता हूँ CaCO3, इससे मैं बना देता हूँ CaO+CO2। तो आपको इसमें प्रत्येक एलिमेंट के एटम को गिनना आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, NCERT में बहुत सारी बातों को एक या दो लाइन में वर्णन किया गया है, लेकिन आपको पूरी तरीके समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी होंगी। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, CO3 को हम लोग एक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। इसमें C का कितना एटम हो गया? 1। सीधा है, इसको गिन लीजिए, यहाँ पे कितना हो गया? 1। C मतलब कार्बन, कार्बन का कितना एटम हो गया? 1। और ऑक्सीजन का एटम ये 3, O3 है, मतलब कितना हो गया? 3। CO का कितना आइटम हो गया? 1। O का कितना आइटम हो गया? 1। यहाँ पे C का कितना आइटम हो गया? 1। और O का कितना हो गया? 2। इस प्रकार से आप आइटम गिन सकते हैं। चलिए, तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ है एक मैग्नीशियम और यहाँ कितना है? 2 ऑक्सीजन। ये है रिएक्टेंट्स, क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो पहले तो ये जानिए, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जितना रिएक्टेंट होना चाहिए उतना ही क्या होगा? प्रोडक्ट बाय मास। मान लीजिए यहाँ 10 केजी आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ भी कितना होगा? 10 केजी। ये नियम है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ आप 9 केजी यूज़ करिए तो यहाँ 10 केजी होगा, यहाँ 10 केजी यूज़ करिए तो यहाँ 9 केजी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा रिएक्टेंट का जितना वजन होगा उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है। तो आप देखिए, यदि आप यहाँ Mg का वजन, Mg कितना है? 1। तो यहाँ भी Mg कितना है? 1। लेकिन O यहाँ है 2, और O यहाँ कितना है? 1। तो ये हो गया आपका, इसका मास में क्या हो जाएगा? डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हो गया Mg+O2 से क्या बन गया? MgO यदि हमने लिखा है तो इसका मास तो बराबर है, लेकिन O का मास क्या हो गया? यहाँ चेंज हो गया। तो इस प्रकार से इसे हम लोगों को क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से बैलेंस करना, मैं अलग से आपको बताऊंगा, एक मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ, शायद आपको आता भी होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं Mg+O2 से लिख सकते हैं 2MgO, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2। तो देखिए, अब Mg कितना हो गया? 2, तो यहाँ भी 2। O कितना हो गया? 2, तो यहाँ 2O, O भी 2 हो गया। तो जब ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये हो गया अनबैलेंस्ड इक्वेशन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यही यहाँ पढ़ाया गया है। ये Mg+O2 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है Mg+O2 से MgO, ये है एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है? और इसे ही हम कहते हैं स्केल्टल, यहाँ देख सकते हैं आप, स्केल्टल केमिकल इक्वेशन। स्केल्टल केमिकल इक्वेशन उसे कहेंगे जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिर्फ एक वर्णन किया गया है, जबकि उनको बैलेंस नहीं किया गया। इसको सिर्फ बताया गया है कि इस रिएक्शन में यह हो रहा है, लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बैलेंस नहीं किया गया। इसका मतलब जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं? स्केल्टल केमिकल इक्वेशन। तो अभी तक हम लोगों ने एक स्केल्टल जो इक्वेशन होता है, ये देखिए, ये जो स्केल्टल एक इक्वेशन था उसके बारे में देखा, और इस वीडियो में हम देखेंगे, इसे हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी कहते हैं। और इस वीडियो में हम आगे की ओर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि कोई केमिकल इक्वेशन है या फिर कोई स्केल्टल इक्वेशन है तो उसको किस प्रकार से बैलेंस किया जा सकता है। तो इस वीडियो में NCERT से में जो इतना वर्णन है उतना ही बता रहा हूँ
यदि आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है और अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है तो आप YouTube पे बहुत सारे और भी वीडियोस हैं, वहाँ उसे आप सर्च कर सकते हैं। हम लोगों का एम है NCERT, तो मैं NCERT को ही सिर्फ कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कुछ केमिकल इक्वेशंस लिखे हुए हैं, तो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि ये बैलेंस कैसे किया जाता है। या फिर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ स्केलेटल इक्वेशंस हम लोगों ने लिखा है और ये बैलेंस्ड नहीं है। तो एक एक बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन और ये क्या है MgO। यदि हम पहले इक्वेशन की ओर बढ़ें तो ये मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो MgO का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको एटम गिनना आना होगा और फिर मॉलिक्यूल पहचानना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यह Mg एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंटल फॉर्म है, लेकिन इसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। O2 का क्या है, एक मॉलिक्यूल है और MgO का भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। यहाँ आप देख सकते हैं H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, ZnSO4 का एक मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले तो आप पहचानें कि एटम्स क्या होते हैं या फिर किसी एक मॉलिक्यूल में एटम्स को पहचानना सीखें। तो यहाँ आप देख लीजिए ये Mg है, तो मैग्नीशियम में कितने एटम्स हो गए, एक। ऑक्सीजन में कितने एटम हो गए, दो। यहाँ पे MgO में मैग्नीशियम के कितने एटम हो गए, वन, और ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, वन। इसी प्रकार से आप Zn+H2SO4 से क्या बन रहा है, ZnSO4+H2। यहाँ भी आप एटम पहचान सकते हैं, Zn के कितने एटम है, वन, H के एटम है दो, S के कितने एटम है, वन, और O के कितने एटम है, फोर। और इधर प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं Zn के कितने एटम है, वन, S के वन है और O के क्या है, फोर। और इधर H के कितने एटम है, टू। तो इस प्रकार सबसे पहले तो आपको एटम्स को गिनने आना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद जो पीछे के वीडियो में मैंने बताया था कि जितने एटम्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए, या फिर हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर कहेंगे कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके अनुसार जो रिएक्टेंट है उसका मास और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, इक्वल। तो यदि ये एटम्स की संख्या इक्वल नहीं होंगे तो ये मास इक्वल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो इस प्रकार से रिएक्शन लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने का क्या मतलब होता है कि दोनों तरफ एटम्स का संख्या क्या हो, इक्वल हो। तो आइए अब NCERT में देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे NCERT में जो वर्णन है वही मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ है Zn, तो नंबर ऑफ ये जो रिएक्टेंट हैं उनमें एटम्स क्या होंगे, Zn के एटम क्या हो गए, वन, H के कितने एटम है, टू, S के कितने एटम है, एक, और O के कितने एटम है, चार। जबकि जो प्रोडक्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि Zn के कितने एटम है, वन, उसके बाद टू, वन, फोर, इस प्रकार से। तो आप देखिए दोनों तरफ ये एटम्स की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यदि ये इक्वल है तो हम लोग बोलते हैं ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। और यदि ये इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए F कितना है, यहाँ पे है वन, H कितना है, टू, और O कितना है, वन। लेकिन यहाँ देखिए F कितना है, तीन, यहाँ था वन और यहाँ रिएक्टेंट में था वन और प्रोडक्ट में क्या हो गया, तीन। ऑक्सीजन यहाँ पे वन है, रिएक्टेंट में है वन और प्रोडक्ट में क्या हो गया, चार, और यहाँ पे हाइड्रोजन था दो, तो हाइड्रोजन तो उतना ही है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसे अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे Fe1 है तो यहाँ तीन है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ ये बैलेंस नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, और हम लोग क्या सीखते हैं, इसे बैलेंस करना सीखते हैं। तो YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है जहाँ पे आप बैलेंस करना सीख सकते हैं। ऐसे मैं आपको हीट एंड ट्रायल मेथड एक बता रहा हूँ जो कि NCERT में जिसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको हीट एंड ट्रायल का मतलब है कि दोनों तरफ से एटम्स को बराबर करना है। और कैसे करना है, तो एक तुक्का लगा लगा के इसको बराबर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे Mg कितना है, वन, और यहाँ Mg कितना है, वन, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ MgO है टू, तो यहाँ पे O है वन। तो एक और चीज़, यहाँ O1 है तो O2 यहाँ पे आप कभी भी नहीं कर सकते। आप ये जो
ये जो देख रहे हैं ये है एक कंपाउंड MgO जो कि एकदम फिक्स है, इसमें आप कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकते। मतलब Mg है तो आप ऐसे कभी Mg2O2 या O3 ऐसे नहीं कर सकते, ये आप नहीं बदल सकते। हाँ, इसके पहले आप 2, 3, 13, 15 जो मन है सो लिख सकते हैं, O के बगल में कुछ भी आप नहीं लिख सकते हैं। चलिए तो अब देखिए, O2 तो आप O के बगल में तो कुछ नहीं लिख सकते लेकिन सामने तो लिख सकते हैं, फ्रेश मैं बता देता हूँ आपको। और आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ें, या फिर इस वीडियो में मैंने और भी कुछ पढ़ाया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और इस वीडियो को बढ़ा के भी देख सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे। चलिए तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये है 2, तो यहाँ मैंने 2 से इसे गुना कर दिया। तो आप देखिए O यहाँ हो गया 2 और O यहाँ भी क्या हो गया 2, लेकिन Mg यहाँ अब 2 हो गया और Mg यहाँ कितना है 1, तो यहाँ 2 से गुना करना होगा। तो अब ये दोनों क्या हो गया, बैलेंस। Mg कितना है 2, यहाँ भी Mg 2, O कितना है 2, यहाँ भी O क्या हो गया 2O। इस प्रकार से आप आसानी से इसे बना सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, ये Zn यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, H2 है, 2 है, SO4 वैसे ही है, तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, इसको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तीसरा नंबर यहाँ देख सकते हैं आप, यह है Fe+H2O, Fe3O4 प्लस H2। यहाँ आप देख सकते हैं H यहाँ भी 2 है और H यहाँ भी 2 है, इसका मतलब H तो बैलेंस्ड है, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आगे हम लोग अब इसे बैलेंस करना चाहेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं F यहाँ पर 3 है, 3 एटम है F के, लेकिन F का कितना एटम है यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ यदि 3 से गुना कर दें तो F 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, H यहाँ 2 है, यहाँ भी कितना है 2, इस प्रकार से 2 आपके बैलेंस हो गए। लेकिन यहाँ O है 4, तो यदि O 4 है तो क्या आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, तो क्या यहाँ हम 4 लिख सकते हैं, नहीं, यहाँ यदि आप 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि मैंने बताया आपको O के नीचे कुछ भी नहीं लिखना, आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसे इस प्रकार कर सकते हैं, हम लोग आगे यदि 4 लगा दें तो अब ये O भी बैलेंस हो गया, देखिए O है 4 और O कितना हो गया 4, F3 है तो F3 है, तो H भी बैलेंस है, देखिए ये H है 4 × 8 H है, ये कितना है 8, 8 एटम है H का, लेकिन यहाँ कितना है 2 एटम, तो इसके लिए हम लोग यहाँ 4 से गुना करेंगे तो ये दोनों फिर बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने तो बड़ा शॉर्ट बताया आपको, आप बहुत इसका अलग अलग वीडियोस YouTube पे मौजूद है उसे देख सकते हैं। चलिए तो अभी नेक्स्ट और देखते हैं, यहाँ देखिए H है 2 और यहाँ कितना है 1, यदि यहाँ 2 से गुना कर दें तो H कितना हो गया 2 और Cl यहाँ 2 है तो Cl भी हो गया 2, इस प्रकार से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये जो दो पेज यहाँ पे हैं, इन दो पेज में आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना सिखाया है, तो ये बैलेंस करने के लिए आपको इतनी बातें पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं आने वाला है। तो प्रश्न कैसे आते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ सिखाया उसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग प्रश्न दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इसके बैलेंस करिए, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये है हीट एंड ट्रायल मेथड लिखा भी हुआ है जिससे आप बैलेंस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने कोर्स की ओर आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए अब राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक लाइन को पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप NCERT को पूरी तरीके से जान सकें कि क्या क्या लिखा हुआ है। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन 1.9, तो आप देखिए ये 1.9 बैलेंस्ड इक्वेशन है, मैंने आपको सिखाया अभी कैसे बैलेंस किया जाता है। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो नो, ये है रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे आपको यह नहीं पता है कि H2O किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में है, ये आपको पता नहीं है। ये तो इस प्रकार से आपको यहाँ ना रिएक्टेंट का और ना ही प्रोडक्ट का स्टेट पता नहीं है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट, तो यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी फिजिकल स्टेट की जानकारी नहीं है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशनड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूले,
द गैसियस लिक्विड एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशंस जी एल एक्वस एंड एस रिस्पेक्टिवली. द वर्ड एक्वस इज रिटन इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज सॉल्यूशन इन वाटर. तो अब मैं बता रहा हूँ, मैं बोला आपको कि प्रत्येक लाइन को मैं पढ़ के समझाऊँगा ताकि आपका एनसीईआरटी पूरा क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए. अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए, इस केमिकल इक्वेशन को पूरी तरीके से वर्णन करने के लिए, ये जो रिएक्टेंट्स हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं वो किस स्टेट में है उसे भी हम लोगों को लिखना पड़ता है. जैसे यहाँ आयरन क्या है, सॉलिड स्टेट में है. H2O क्या है, गैसेस स्टेट में है. Fe3O4 क्या है, सॉलिड स्टेट में. तो ये आपको लिखना यहाँ आवश्यक है. इस प्रकार से यहाँ देखिए एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर. यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉल्यूशन वाटर में सॉल्यूशन है, मतलब कि वो पानी में घुले हुए हैं, तो उसे हमें एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं. नोट दैट सिंबल जी इज यूज विथ H2O टू इंडिकेट दैट इन द रिएक्शन वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. तो जैसे मैंने बोला H2O है, तो ये तीनों स्टेट जैसे कि क्या हो गया, आपका लिक्विड हो गया, गैसियस हो गया, सॉलिड, किस स्टेट में इसका यूज किया गया है वही आपको ये लिखा जाता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टीम के रूप में यूज़ किया गया है, तो गैसियस स्टेट में यूज़ किया गया है, तो आप यहाँ पे जी लिख सकते हैं. तो किसी भी इक्वेशन को कंप्लीट रूप से दिखाने के लिए यहाँ पे आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सारा भी आपको बताना होगा. चलिए, यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम. तो यूजुअली जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो ये गैस सॉलिड नहीं लिखते हैं, लेकिन जब इसको स्पेसिफाई करना होगा तो ये आपको अत्यावश्यक रूप से लिखना होगा. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are included above and or below the arrow in equation for example. तो अच्छा, अभी तक आपका एक केमिकल इक्वेशन कंप्लीट लिखा नहीं गया है, इसके बाद भी कुछ और चीज़ें आपको देखनी होंगी. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है कार्बन मोनोक्साइड H2 से रिएक्ट करता है और ये मिथाइल अल्कोहल बना रहा है, CH3OH बना रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गैस लिक्विड तो हमने लिख दिया, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे हमको दिखाना होगा और ये है प्रेशर, और कभी कभी आपको टेम्परेचर भी दिखाना होगा. ये सारी बातें भी आपको बतानी होगी, उसी तब आप बोल सकते हैं कि हमारा केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कम्प्लीट है. अब यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है सनलाइट और क्लोरोफिल, इसका मतलब है कि यह सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है और क्लोरोफिल की आवश्यकता यहाँ पे है. तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हम किसी एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं. तो ये कुछ प्रश्न है जो कि आप हेल्पबुक की मदद से कर सकते हैं, और इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं. तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. वी हैव लर्नड इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट. तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि कोई भी एक एटम यदि केमिकल रिएक्शन होता है तो वह दूसरे एटम के रूप में चेंज नहीं होता है. Nor do atoms disappear from a mixture or appear from elsewhere. मतलब कि ये जो एटम है वो बना रहता है, ना ही ये डिसअपियर होता है, ना ही नया एटम बनते हैं. Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. You will study about types of bonds found between atoms in chapter 3 and 4. तो एक्चुअली में होता क्या है, यह लाइन क्या कह रहा है कि एक्चुअली में जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो केमिकल रिएक्शन में कोई जो एलिमेंट है वो अपना स्वरूप नहीं बदलता है, बल्कि क्या होता है वहाँ पे बॉन्ड, कुछ बॉन्ड बनते हैं और कुछ बॉन्ड टूटते हैं. जैसे कि यहाँ आप एक उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कैल्शियम का एटम और ये क्या है, ऑक्सीजन का एटम.
तो ये कैल्शियम का एटम है और यहाँ ऑक्सीजन का एटम है, तो आप ये रिएक्टेंट है, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी कैल्शियम का एटम और ऑक्सीजन का एटम ये एज इट इज़ हैं, यहाँ बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम का एटम ये टूट गया या ऑक्सीजन का एटम टूट गया। तो हुआ क्या, हुआ यह कि जो कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग था वो यहाँ टूट रहा है। आप देख सकते हैं यह कैल्शियम ऑक्साइड था और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये बॉन्ड का टूटना और ये नया बॉन्ड का बनना यही होता है बेसिकली केमिकल रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शंस जब हो रहे हैं तो पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, यही चीज़ होता है केमिकल रिएक्शन में। चलिए तो अब आप समझ गए होंगे, तो ये जो बॉन्ड है इसके प्रकार है, इसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ कुछ एक्टिविटी भी दिया गया है, एक्टिविटी में आप देख सकते हैं टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम। तो अब एक प्रश्न आ गया, उसको लिख लीजिए। प्रश्न ये है, क्विक लाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, या फिर द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम इज, लिख लिए क्वेश्चन आप लिख लिए। तो यह है केमिकल लाइम का जो माफ़ करिएगा, जो क्विक लाइम का है केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यह है इसका आंसर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं प्रत्येक पैरा में आपको प्रश्न बताते जाऊंगा ताकि आप आंसर करते जाएं और आपको पता रहे कि कौन से प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं जो कि NCERT से आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसके बाद स्लोली ऐड वाटर, अब इसमें क्या डालना है आपको, वाटर। तो आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए बीकर में और उसके ऊपर क्या डालना है, वाटर, स्लोली वाटर डालेंगे। और उसके बाद बोलता है कि आप इसको टच करिए, आप इसको छू के देखिए कि क्या होता है। तो आगे पढ़ते हैं और क्या इसके बारे में लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड H2O से रिएक्ट करके वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए ये लिखा हुआ है CaOH का होल टू, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे केमिकल नाम आपको याद होने चाहिए, यदि आपको ये केमिकल नाम याद है तो आप आसानी से कोई भी केमिकल इक्वेशन को समझ पाएंगे। चलिए तो अब ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या हो गया, स्लेक्ट लाइम। कभी कभी बोलने के क्रम में कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। अब देखिए तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्या हो गया, H2O। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम क्या है, स्लेक्ट लाइम। तो एक प्रश्न और यहाँ से आप लिख लें अपने कॉपी में, और यह प्रश्न है द केमिकल नेम ऑफ स्लेक्ट लाइम इज, क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, द केमिकल नेम ऑफ स्लेक्ट लाइम। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लेक्ट लाइम, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। चलिए एक और प्रश्न लिख लीजिए यहाँ से, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, ये प्रश्न भी आप लिख लीजिए और इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो प्रश्न है कि क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराया जाता है तो वह उससे बहुत विगरसली, मतलब बहुत प्रचंडता से वह उससे रिएक्ट करता है और स्लेक्ट लाइम बनाता है, और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप ये जान ले व्हाट हैपेंस व्हेन करके एक प्रश्न आएगा जिसमें 5 से 6 प्रश्न आपको आते हैं, तो आप उन्हें आप समझते जाएं, यही सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हाँ, यहां आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है और ये क्या है, वाटर है, और ये क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही हमारा टॉपिक था, सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 रिएक्टेंट्स हैं और 1 प्रोडक्ट है, तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए एक प्रश्न और लिख लीजिए, प्रश्न है, आप क्या बता सकते हैं क्या है प्रश्न, हाँ बिल्कुल, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख लिया आपने, तो चलिए तो अब इसका आंसर देखते हैं, व्हाट इज
केमिकल रिएक्शन, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप आंसर में अपना लिख सकते हैं। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जिनमें एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वैसे रिएक्शन जिनमें सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपने समझ लिया, क्या समझा, सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट, यह है प्रोडक्ट और यह है रिएक्टेंट्स, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए एक और प्रश्न लिख लीजिए, गिव एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप प्लीज़ ये सारे प्रश्न को भी लिखते जाइए और आंसर भी खुद से ही करते जाइए। चलिए अब यहाँ देखिए, डू यू नो, ये भी आपको करना है, ये जो येलो बॉक्स दिख रहा है इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। अब देखिए एकदम इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं वो इस येलो बॉक्स से पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा, कैल्शियम ऑक्साइड, अब मार्केट से कैल्शियम ऑक्साइड लाइए, उसे पानी में मिलाइए और जब पानी में मिलाएंगे तो आपको क्या बन जाएगा, स्लेक्ट लाइम, और इसे आप क्या कर सकते हैं, दीवालों पे इसे पुताई कर सकते हैं। समझा आपने, क्या समझा कि कैल्शियम ऑक्साइड लाएं, उसको H2O में मिलाएं तो क्या बन गया, CaOH का होल टू, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम। और इसी का यूज़ करके जो बोला जाता है कि घर में चूना का पुताई होता है या फिर बोले पेंट होता है, तो चूना से इस प्रकार से पेंट किया जाता है। चलिए तो वाइट वॉशिंग के लिए इसी का यूज किया जाता है। तो किस चीज़ का यूज किया जा रहा है, स्लेक्ड लाइम का यूज किया जा रहा है। अब देखिए, अब मान लीजिए ये दीवार है तो मैं इसमें इसी स्लेक्ड लाइम से पेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई पेंट कर दिया तो कुछ तो प्रश्न और आगे आएगा, तो हाँ आ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3। अब चलिए, अब मैंने CaO मार्केट से लाया, पानी मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया था। उसके बाद इसका हम पुताई कर देंगे या फिर बोले तो उसको पेंट कर देंगे दीवार पे। तो अब क्या हुआ, अब देखिए, अब ये जो इन्वायरमेंट में CO2 मौजूद है, हम लोगों ने पुताई किस चीज़ से किया है, CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किया है, तो वो जो है सो इन्वायरमेंट में मौजूद CO2 से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, CaCO3 बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी कारण से ये जो वाइट वॉश हमने किया है वो शाइनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा, शाइनी फिनिश आ जाएगा, थोड़ा ये कठोर भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपने पुताई किया, वो CO2 से रिएक्ट किया और क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O वहाँ से निकला, क्या निकला, H2O। तो यही बन जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये प्रश्न आपको टेक्स्ट में भी दिया हुआ है, मतलब कि ये जो बुक है उसके लास्ट में भी ये प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न बोलता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन CaOH होल टू, या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद CO2, क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करता है। तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और H2O निकलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे बातें याद भी होती जा रही होंगी, तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं C+O2 से क्या बन रहा है, CO2, 2H2+O2 से क्या बन रहा है, 2H2O। तो एक और प्रश्न आप लिख लीजिए, गिव 3 एग्जांपल्स, अभी हम लोग कितना एग्जांपल बोलेंगे, 3 एग्जांपल्स ऑफ
कम्बिनेशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। गिव थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये तीनों आप एग्जाम्पल में उसको दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट वेन टू और मोर सब्सटेंसेज एलिमेंट और कंपाउंड कम्बाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक प्रश्न मैंने आपको लिखाया था, व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन, उसका आंसर आप यहाँ से भी दे सकते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? चलिए, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ, और ये जो एक्टिविटी था 1.3, यहाँ पे बोला गया कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालिए और फिर उसे टच करिए, तो आप देखेंगे कि ये गर्म लगेगा। क्या लगेगा? गर्म। इसका मतलब है कि यह जो रिएक्शन हुआ वहाँ पे हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट बाहर निकलता है। इस रिएक्शन को करने पर हीट रिलीज होता है। हीट क्या होता है? रिलीज होता है। और वैसे रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होते हैं उन्हें हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो मतलब हो गया बाहर, थर्म मतलब क्या हो गया? हीट। तो वैसे रिएक्शन जिनमें हीट निकले उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक और प्रश्न हो गया, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन तो मैं आपको ये सिर्फ बोल के ही बता दे रहा हूँ, आप अपना प्रश्न खुद ही लिख लें और उसके बाद प्लीज़ आंसर भी कर लें। चलिए, तो अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप देख सकते हैं, जैसे कि यदि नेचुरल गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो क्या बनेगा आपका? CO2 और H2O बनेगा और साथ में हीट रिलीज होगा। तो यह किसका उदाहरण हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण हो गया। तो चलिए एक और प्रश्न लिख लीजिए, ये प्रश्नों की झड़ी है। NCERT को आप ऐसे समझते होंगे कि इसमें तो प्रश्न है ही नहीं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं। तो एक और प्रश्न लिख लीजिए, व्हाट हैपेंस व्हेन CH4 इज बर्न्ड, और व्हाट हैपेंस व्हेन नेचुरल गैस इज बर्न्ड, कि नेचुरल गैस जब जलाया जाता है तो क्या होता है। तो ये CH4 नेचुरल गैस कह रहे हैं, इसको जलाने पे क्या मिलेगा? CO2 और H2O मिलेगा और साथ में क्या निकलेगा? हीट। तो अब एक बात और समझिए, जब भी आप प्रश्न लिखते हैं तो इक्वेशन को आपको लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आप प्रश्न केवल शब्दों में लिख दें, इक्वेशन आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आपके कट जाते हैं। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज, फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज कम्बाइंस विथ ऑक्सीजन। तो ये तो बहुत डिटेल मैं पढ़ाऊँगा आपको, ये जो डाइजेशन है, रेस्पायरेशन है, यहाँ पे मैं इसको चर्चा नहीं करूँगा, ये मैं बायोलॉजी में पढ़ाऊँगा आपको। ये मैं जब बायोलॉजी का चैप्टर 6 शुरू करूँगा तब आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसका चर्चा करना यहाँ संभव नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। ये मैं आपको ये 5 मिनट के वीडियो में नहीं बता सकता। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में, चैप्टर 6 में आपका पढ़ेंगे, तो वहीं से आप इसे पढ़ लें, मैं उसका वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारा मैं वहीं पे आपको बताऊंगा। वहाँ भी आप देख सकते हैं ये रिएक्शन, आप देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या बन रहा है? एनर्जी। और ये रेस्पायरेशन का एक इक्वेशन दिया हुआ है कि जब रेस्पायरेशन होता है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और एनर्जी निकलता है। तो ये भी कैसा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलिए तो एक और प्रश्न लिख लीजिए, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आप लिख लीजिए और इसका आंसर भी कर लीजिए। द डिकम्पोजिशंस ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कम्पोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी आप इस अपने प्रश्न में, इसका आंसर में ये लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 1.1 वेयर हीट इज गिवेन आउट एलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रोडक्ट। तो वो भी कैसा एग्जाम्पल हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो ये सारे एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल हैं जो कि आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो ये हम लोग शुरुआत करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पहले यहाँ आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.5। और ये एक्टिविटी क्या कहता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में कहा गया है टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को लें एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, और उसके बाद उसके कलर को देख लें, और उसके बाद धीरे धीरे इसे हीट करें, और फिर उसके बाद इसके कलर को ऑब्जर्व करें। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना। ये देखिए, यही है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, और इसके कलर को आपको नोट कर लेना है, और इसके बाद इसे हीट करना है, और उसके बाद जो इसका कलर चेंज होता है वह आपको देखना है। तो यह एक प्रयोग है जिसके द्वारा आपको कुछ बताया जाएगा, और कुछ क्या बताया जाएगा, यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यह रिएक्शन करवाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह है फेरस क्रिस्टल, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल FeSO4 7H2O, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। हैव यू नोटिस्ड दैट द कलर, ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। और जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसका कलर चेंज होता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को FeSO4 7H2O कहेंगे। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को क्या बोलेंगे, FeSO4 7H2O, जिसका कलर क्या था, ग्रीन। इसके बाद जब इसको हीट किया जाता है तो ये डिहाइड्रेटेड हो जाता है, मतलब इसका वाटर उड़ जाता है। ये अभी हाइड्रेटेड है, मतलब इसमें वाटर जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इसे हीट करेंगे तो ये डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और इसका वाटर उड़ जाएगा। इसके बाद बच जाएगा फेरस सल्फेट। ये देखिए, ये है फेरस सल्फेट। अब जब आप इसे फर्दर हीट करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप 2 प्रश्न लिख लीजिए। पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल एंड व्हाट इज़ इट्स कलर, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज़ हीटेड, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करने पे क्या होता है। ये दोनों प्रश्न आप लिख लीजिए और इसका आंसर भी आप लिख लेंगे। चलिए अब आंसर, मैं सेकंड वाले का आंसर आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। तो सबसे पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल को आप गर्म करेंगे तो ये वाटर को लूज करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, लूजेज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, और इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, पहले तो वाटर लूज करेगा और उसके बाद ये फर्दर हीट करने पे क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, SO2 बनेगा और फिर SO3 बनेगा। जबकि Fe2O3 क्या है, एक सॉलिड है, और इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर मॉलिक्यूल FeSO4 7H2O। ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर एंड एनहाइड्रस फेरस सल्फेट FeSO4 बनता है। एनहाइड्रस का मतलब है इसमें से 7H2O उड़ गया है। इसके बाद ये फर्दर टूटता है, ये मैंने बताया आपको, Fe2O3, SO2 और SO3 में टूटता है, और इसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन से वाइट में। तो ये आपको पता चल गया कि ये कैसा कलर चेंज हो जाता है, पहले था ग्रीन और अब क्या हो गया, वाइट। तो पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा था, ग्रीन, और अब कैसा हो गया है, वाइट। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो कि गर्म करने के बाद इसका देख सकते हैं प्रोडक्ट, ये 3 प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। तो ये रिएक्टेंट कितना है, सिंगल रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट देख रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये डिकम्पोज हो गया है या फिर टूट गया है, हाँ इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया है, टूट रहा है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स।
और इसे ही हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपने देखा किस प्रकार से एक उदाहरण के द्वारा आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझाया गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है या टूटता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जो भी मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ उसका आंसर भी यहीं पे मैं बताते चल रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि मैं अच्छी तरीके से सीख पा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो ये भी एक प्रश्न पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ। प्रश्न लिख लीजिए, हाउ CaCO3 इज़ डिकम्पोज्ड, हाउ CaCO3 इज़ डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज्ड ये प्रश्न लिख लीजिए और इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो जब CaCO3 को, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं, ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है, ये आप इसका कॉमन नाम हमेशा याद रखते जाइए। CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और इसका कॉमन नेम क्या हो गया, लाइम स्टोन। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो आप बता दीजिए CaOH का होल टू इसका क्या नाम हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नाम क्या है। यदि आपको नहीं पता तो पीछे के वीडियो मैंने पढ़ाया है, वहाँ आप देख सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करता है। CaCO3 को जब हीट किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये डिकम्पोज हो रहा है, तो ये किसका उदाहरण हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण हो गया। तो एक और प्रश्न यहाँ से आप लिख लीजिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप यहाँ ये उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, एक पैराग्राफ में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उन सारे प्रश्नों को आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप NCERT को सही प्रकार से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए मैं सारे प्रश्नों को आपको लिखाते चल रहा हूँ। तो ये तो पहले प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन यहाँ तक लिख सकते हैं कि CaCO3 डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इंडस्ट्री के लिए, इसी के लिए हम लोग प्रोसेस करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, देख रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लिख लीजिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ, या फिर व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, आंसर में लिख लीजिए, लाइम और क्विक लाइम। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो ये देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे यूज़ दिया है, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसे भी लिख लें, व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये थर्म मतलब मैंने आपको क्या बताया है, हीट बताया है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, वैसा डिकम्पोजिशन जिसको हीट के द्वारा किया जाए यानी कि गर्म करके किया जाए उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, यदि डिकम्पोजिशन को हम लोग हीट के द्वारा करते हैं तो उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो यही मैंने प्रश्न आपको लिखवाया है, व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, गिव एन एग्जाम्पल। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है और उसका एग्जाम्पल दीजिए, तो यहाँ इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। चलिए इतना आप लोगों ने समझ लिया, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यह भी एक प्रयोग के द्वारा दिखाया गया है, एक्टिविटी के द्वारा दिखाया गया है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। अब लीड नाइट्रेट पाउडर को बॉइलिंग ट्यूब में ले लिया गया है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर द फ्लेम। अब इसे फिर से आप हीट करना है। What do you observe, और जो आपने ऑब्जर्व किया वो बताना है। You will observe the emission of brown fumes. These fumes are nitrogen dioxide. तो ये मैं आपको आगे प्रयोग में दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए।
ये देखिए, ये है लीड नाइट्रेट, इसी को गर्म किया गया है। PbNO3 होल 2, ये क्या है? लीड नाइट्रेट। तो लीड नाइट्रेट को जब हीट किया गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NO2 निकल रहा है। क्या चीज़ निकल रहा है? NO2। और ये कैसा फ्यूम है? यहाँ देखिए, ये है ब्राउन फ्यूम। NO2 का फ्यूम कैसा है? ब्राउन फ्यूम। ये सब आपको हर एक पॉइंट से याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जब लीड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो ब्राउन फ्यूम निकलता है, और वह किस चीज़ का होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। तो ये कैसा रिएक्शन है? तो ये भी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट कर रहे हैं, और हीट करने के बाद ये तो सिंगल रिएक्टेंट है, और ये देख सकते हैं तीन प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण हो गया। चलिए, अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है, और यहाँ पे क्या निकल रहा है? फ्यूम्स निकल रहे हैं, ब्राउन फ्यूम्स, जो कि क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी एक प्रश्न लिख लिए, व्हाट हैपेंस व्हेन लीड नाइट्रेट इज हीटेड। यदि लीड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो क्या होता है? अब देखिए, अब एक और एक्टिविटी आ गया 1.7, और 1.7 आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। ये देख सकते हैं प्लास्टिक मग है, यहाँ पे वाटर रखा हुआ है, यहाँ पे एनोड है, कैथोड है, मतलब कि दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए हैं, यहाँ स्विच है, बैटरी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड है, और ये दो टेस्ट ट्यूब उल्टे करके लगा दिए गए हैं। यही एक प्रयोग किया गया है, और इस प्रयोग में क्या दिखाया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर 1.6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रबर स्टॉपर लगा दिया है, यहाँ पे आपने एक मग लेके उसमें छेद कर दिया है। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, एक इनोड है और दूसरा क्या है? कैथोड है, और जिसे 6 वोल्ट बैटरी से आपने जोड़ा है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। यहाँ पे आप वाटर ले लिया है आपने, और उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 आप इसमें डाल दें। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो आप देखिए, 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ पे आपको क्या करना है? टेस्ट ट्यूब को उलट के इसमें लगा देना है। स्विच ऑन द करेंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। इसके बाद यहाँ पे स्विच ऑन कर देना है और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देना है। मैं आपको ये शॉर्ट में क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि हम लोग एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक लाइन में क्या लिखा हुआ है। आपको यदि ये आ रहा है तो आप थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड्स, दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। अब आप कुछ देर में देखेंगे कि यहाँ पे बबल उठ रहा है और वाटर को क्या कर रहा है? थोड़ा डिस्प्लेस कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये है ऑक्सीजन और ये क्या है? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या है? कम, और हाइड्रोजन क्या है? ज़्यादा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम, तो नहीं, यहाँ पे जो दो गैसें बन रही हैं वो सेम नहीं है। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विथ द रिस्पेक्टिव गैसेज, रिमूव देम केयरफुली, और इसके बाद इसको आप सावधानी से हटा लें। टेस्ट दीज गैसेज 1 by 1 बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इसके बाद हम बर्निंग कैंडल के द्वारा इसको टेस्ट करें कि ये कौन सी गैसेज हैं। व्हाट हैपेंस इन ईच केस, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो ये सिंपल सा एक प्रयोग बताया गया है जिसमें हम देखते हैं कि वाटर को ब्रेक किया गया है। वाटर को क्या किया गया है? ब्रेक किया गया है, और इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम लोग वाटर को ब्रेक कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो वर्ड है, यहाँ लाइसिस वर्ड आप देख सकते हैं, लाइसिस टूटना, और इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब यह प्रक्रिया में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके
हम लोग वाटर को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, और वाटर को ब्रेक करने पे क्या मिलेगा आपको, H2 मिलेगा, और क्या मिलेगा, O2। और आपको ब्रेक किसको करना है, H2O को। तो जब आप H2O को ब्रेक करेंगे तो H2 मिलेगा और क्या मिलेगा आपको, O2 मिलेगा। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप 2H2O को ब्रेक कर रहे हैं, तो 2H2 प्लस क्या हो गया आपका, H2 कितना मिला 2, तो O2 कितना मिला 1। तो यदि H2 2 है तो O कितना है 1। तो ज़्यादा कौन हो गया, हाइड्रोजन, और कम कौन हो गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है ज़्यादा और ऑक्सीजन क्या है, कम। और यहाँ भी आप देख सकते हैं यह है H2O है, एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि दो प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसे भी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो आपने देखा अलग अलग जगहों पे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अलग अलग उदाहरण दिया गया है, लेकिन वहाँ पे हम हीट के द्वारा डिकम्पोज कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके इसे डिकम्पोज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए, थोड़ा मैं बताता हूँ, आगे थोड़ा बढ़ता हूँ, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हीट के द्वारा आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा सकते हैं, लाइट के द्वारा करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा करा सकते हैं। फॉर ब्रेकिंग डाउन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए आप हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने हीट का डिकम्पोजिशन देख लिया, इसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का देख लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन अब लाइट का देखेंगे कि क्या लाइट के द्वारा भी डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी एक प्रयोग दिखाया गया, बहुत सिंपल सा प्रयोग है। टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लिया जाए। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, एक चाइना डिश में, मतलब कि एक चीनी मिट्टी के बर्तन में आप क्या ले लीजिए, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए, AgCl, उसको धूप में आपको रख देना है। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। चलिए यहाँ से एक प्रश्न आप पहले लिख लीजिए, प्रश्न ये है हाउ सिल्वर क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड, सिल्वर क्लोराइड कैसे डिकम्पोज होता है, एंड हाउ द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस, और किस प्रकार से सिल्वर क्लोराइड का कलर चेंज होता है। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो पहले आप देख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाएगा तो ये डिकम्पोज होगा। इसका आंसर ये है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। और किस प्रकार से इसका कलर चेंज होता है, तो यह सिल्वर क्लोराइड किस रूप में बदल, वाइट से कैसा हो जाता है, ग्रे। वाइट से कैसा कलर में टर्न हो जाता है, ग्रे में बदल जाता है। तो ये सारे जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक लाइन से मैं प्रश्न बताते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और आप हर एक बातों को अच्छी तरीके से समझ सकें। दिस इज़ ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इंटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो सिल्वर क्लोराइड किस चीज़ में टूट गया, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। क्यों, लाइट के कारण, ये सनलाइट के कारण वह टूट जा रहा है। आगे भी एक और उदाहरण दिया हुआ है। इसी प्रकार से AgBr किस चीज़ में टूट जाएगा, Ag और Br2 में टूट जाएगा। किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। द एबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का यूज़ होता है। What form of energy is causing this decomposition reaction? यही मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी। हालांकि आप एक प्रश्न लिख लें, प्रश्न ये है, यही प्रश्न है, What form of energy is causing this decomposition reaction? तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि What form of energy is causing decomposition reaction? ये प्रश्न आपने लिख लिया। चलिए इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, जिसके द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी तक जो आपने पढ़ा, वहाँ आपने देखा कि कोई भी रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है उसके लिए पहले आपको एक एक्टिविटी पढ़ाया जाता है। NCERT में सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, एक्टिविटी, उसके बाद उस रिएक्शन के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ भी देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी दिखाया गया है। तो इन एक्टिविटीज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं।
तो इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। 3 आयरन नेल लेना है और उसको आपको क्या कर लेना है, सैंड पेपर से उसको अच्छी तरीके से रब कर लेना है। इसके बाद आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ए और बी। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया है, ए और बी। यह है टेस्ट ट्यूब ए और ये क्या है, टेस्ट ट्यूब बी। अब आपको क्या करना है, इन 3 नेल्स में से 2 नेल को टेस्ट ट्यूब में आपको लटका देना है और बाकी 1 नेल को इसी प्रकार से अपने पास रख लेना है, ठीक है। इसके बाद 20 मिनट बाद ये जो 2 नेल्स को आपने इसमें लटकाया था उसे वापस बाहर निकाल लेना है और फिर उसे ऑब्ज़र्व करना है कि क्या हुआ है। यही ये एक्टिविटी लिखा गया है। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर कि आखिर हुआ क्या है। तो जब आप 2 टेस्ट ट्यूब को ऑब्ज़र्व करेंगे तो एक तो ऐसा टेस्ट ट्यूब था जिसको आपने इसी प्रकार से छोड़ दिया था, मतलब यहाँ पे कोई एक्टिविटी आपने नहीं की थी, जबकि दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने एक्टिविटी को किया था। तो पहले एक्टिविटी में जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो कैसा है, ब्लू आप देख सकते हैं, लेकिन दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो कलर है वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, वो फीका हो जाता है। इसी प्रकार से आयरन नेल को भी देख लें, पहला जो आयरन नेल था वो आपके पास था, उससे कोई भी एक्टिविटी आपने नहीं किया था, जबकि दूसरे आयरन नेल का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस एक्टिविटी के करने के बाद प्रश्न पूछा जाता है, व्हाई डज द नेल आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। तो इस एक्टिविटी के बाद आप देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो जाता है, आयरन नेल क्या हो जाता है, इसका भी कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। तो आखिर ये क्यों होता है, तो इसको एक्सप्लेन इस प्रकार से किया जाता है, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे इस प्रकार से दिखाया गया है, Fe प्लस CuSO4 से बना है FeSO4 प्लस Cu। यह बताता है कि आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है और फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, या फिर बोलें कि आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और कॉपर यहाँ से निकलता है। और यह रिएक्शन आप यदि ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे से कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है और आयरन यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है यह एक उदाहरण है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयरन जो है वह कॉपर को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, और इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला प्रश्न आप लिख लीजिए, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा प्रश्न लिख लीजिए, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, Zn प्लस CuSO4 से बन रहा है ZnSO4 प्लस Cu, और Pb प्लस CuCl2 से बन रहा है PbCl2 प्लस Cu। तो ये भी 2 को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। तो अब एक नेक्स्ट बात आती है कि ये Cu को Zn क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, या Pb जो है Cu को क्यों डिस्प्लेस कर रहा है। इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स दैन कॉपर। जिंक और लीड क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वे कॉपर को क्या कर दे रहे हैं, डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, और इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या फिर कह सकते हैं, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट इस कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए इसके लिए भी एक एक्टिविटी दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले आप सोडियम सल्फेट लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट और दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड लेते हैं, और दोनों का हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यह है सोडियम सल्फेट और यहाँ क्या है, बेरियम क्लोराइड। और जब रिएक्शन होता है तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि मैं बताने वाला हूँ कि क्या होता है, और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बेरियम और सल्फेट आपस में मिल गए और बेरियम सल्फेट बनाया, और सोडियम और क्लोराइड मिल गए और क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आयन का एक्सचेंज हो जा रहा है, और ये 2 बार हो रहा है, एक बार ये हो रहा है और एक बार ये हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ है, सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि सल्फेट आयन और बेरियम आयन आपस में मिल गए, यहाँ आप देख सकते हैं आयन का एक्सचेंज हो रहा है। ये देखिए सोडियम और बेरियम ये दोनों एक्सचेंज कर जा रहे हैं और बन जा रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से जब आयन एक्सचेंज से आप देख सकते हैं सच रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन आयन एक्सचेंज ऑफ आयन्स, किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यह प्रश्न हो गया। तो एक दो प्रश्न और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। यह प्रश्न करता है, इस प्रश्न को पहले लिख लीजिए। पहला प्रश्न है व्हाट इज प्रेसिपिटेट और दूसरा प्रश्न है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये दोनों लिख लीजिए। तो ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है और कुछ इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनते हैं जो कि इस रिएक्शन के बाद जमने लगते हैं या फिर बोले कि जो सोल्यूबल नहीं होते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहाँ भी देख सकते हैं यह जो रिएक्शन था हमारा यह भी एक यहाँ भी प्रेसिपिटेट बनता है। बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटांस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, दिस इनसोल्यूबल सब्सटांस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो हम लोग प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, इन एनी केमिकल रिएक्शन व्हेन अ इनसोल्यूबल सब्सटांस इज फॉर्म्ड, वाइट इनसोल्यूबल सब्सटांस इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और वैसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं ये है सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट का क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है और ये क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से यह एक एग्जाम्पल हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का उदाहरण। तो आप देख सकते हैं ये BSO4 के पहले बाद मैंने एरो दिया है, तो यदि आप नीचे का एरो देते हैं तो इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट बन रहा है। चलिए इसके बाद एक और यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है चैप्टर के फर्स्ट में जो कि प्रेसिपिटेशन जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखाता है। तो यह है आपका लीड टू नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से, मैं दिखा देता हूँ। यह है आपका लीड टू नाइट्रेट का रिएक्शन किससे हो रहा है, आपका देख सकते हैं लीड टू नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से। KI मतलब क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं आयन एक्सचेंज हो रहा है, PbI से मिल जा रहा है और KNO3 से मिल जा रहा है। तो यदि आयन एक्सचेंज हो रहा है और अभी बन रहा है PbI2 और 2KNO3 बन रहा है, तो ये भी कैसा उदाहरण है, डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है। तो यहाँ से एक और प्रश्न होता है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इसको लिख सकते हैं ये दोनों उदाहरण या फिर एग्जांपल्स को। चलिए अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले मैं बता दूं ये बहुत ही विस्तृत चैप्टर होता है, यदि आप हेल्प बुक की मदद से पढ़ेंगे या क्लास 11th में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेकिन ये NCERT में बड़ा शॉर्ट में आपको बताया गया है। तो जितना नियम यहाँ बताए गए हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ जैसे कि आप जान रहे हैं जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े उसके पहले आपको एक्टिविटी देखना होता है। तो यहाँ भी एक एक्टिविटी आप देख सकते हैं, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। एक चाइना डिश लें उसमें कॉपर पाउडर के 1 ग्राम को रखें और उसे गर्म करें और इसके बाद इसे ऑब्जर्व करें कि क्या होता है, ठीक है, यही एक प्रयोग था। चलिए द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। तो ये जो कॉपर पाउडर है उसका सर्फेस या फिर बोलें कि वह किससे कोटेड हो जाता है, तो ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड से कोटेड हो जाता है। Why has this black substance formed? तो यह प्रश्न है कि यह black substance क्यों बना गया है? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. तो इसका आंसर यह बताया जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर से मिला है और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है।
चलिए तो यहाँ देखिए, यह है कॉपर। यह जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड। तो इसी कॉपर को जब हीट किया गया, हीट करने के कारण यह ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और कॉपर ऑक्साइड बनाया। और ये कॉपर ऑक्साइड कैसा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो पहला प्रश्न लिख लीजिए, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड। क्या होता है जब कॉपर पाउडर को हीट किया जाता है, इसका आंसर आप समझ गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और इसे ही हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि ये जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, अब ये CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, उसके ऊपर से H2 गैस पास कराया जाता है, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सर्फेस टर्न्स ब्राउन। तो ये ब्लैक कोटिंग जो CuO कैसा है, ब्लैक कोटिंग इसके ऊपर है, तो ये कैसा हो जाता है, टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेंड, और कॉपर आपको फिर से प्राप्त हो जाता है। कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो यहाँ से आप एक और प्रश्न लिख लें, व्हाट हैपेंस व्हेन H2 is passed over CuO. What happens when H2 is passed over CuO? Copper to oxide के ऊपर जब H2 पास कराया जाता है तो क्या होता है, और इसका आंसर है कि ये जो ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड है वो ब्राउन कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपने दो प्रश्न देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये डायरेक्ट प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये इंटेक्स्ट प्रश्न है। ये कलर आपको पूछ देगा कि कॉपर टू ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर है, जब H2 से रिएक्शन करता है तो किस कलर में चेंज होता है, ये सारे प्रश्न, तो वो ब्राउन कलर में चेंज होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मात्र एक पैराग्राफ में, यहाँ से यहाँ तक में आपको 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप सारे प्रश्नों के लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो इफ़ अ सब्सटांस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, इफ़ सब्सटांस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो चलिए अब मैं एकदम फ्रेश आपको बता रहा हूँ, ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हटना हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हटना क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये दो लाइंस में इसका वर्णन किया गया है, इफ़ ए सब्सटांस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड। If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. और दूसरे रिएक्शन में ऑक्सीजन हट रहा है तो ये क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है। तो मैंने तो आपको बताया कि इसके बहुत सारे डिफिनेशन हो सकते हैं, बहुत ही विस्तृत हो सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ NCERT पढ़ रहे हैं, इसलिए बस इसी की बात को डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बींग रिड्यूस्ड। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि कॉपर टू ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, और ये क्या हो जा रहा है, रिड्यूस। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, जबकि ये हाइड्रोजन के पास तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। आप देख सकते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ कॉपर से आप देख सकते हैं ये है कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये हो गया रिड्यूस, ये क्या हो गया, रिड्यूस। लेकिन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, ये एच क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एज बींग ऑक्सीडाइज, इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज वाई अदर रिएक्टेंट्स गेट एंड अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए एक और प्रश्न आपके लिए बन गया, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, लिख लीजिए, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। इसका आंसर क्या है, इन एनी रिएक्शन If oxidation and reduction takes place simultaneously, या फिर बोलेंगे एक साथ जब oxidation और reduction reaction हो रहे हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, redox reaction। यहाँ भी आप देख सकते हैं CuO plus H2 से क्या बन गया, Cu plus H2O। तो यहाँ copper का क्या हो रहा है, reduction हो रहा है, क्योंकि oxygen यहाँ हट रहा है और oxygen H से जुड़ रहा है, तो यहाँ H का क्या हो जा रहा है, oxidation। तो यह आपको एग्ज़ाम में आता है,
आप इसको आइडेंटिफाई करिए कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद है, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये दो प्रश्न और दो इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है। तो पहला हम लोग देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं आप ओ यहाँ हट रहा है, तो ये हो गया रिड्यूस और ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं आप ओ हट रहा है तो ये क्या हो गया यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। इस प्रकार से एच यहाँ पे देख सकते हैं एच से ओ मिल रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो यह ऑक्सीजन के टर्म में बताया गया, तो मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस टू Zn, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इन रिएक्शन जो सेकेंड रिएक्शन था HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 वेयर एज HCl ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब कि क्या हो गया वहाँ से H हट रहा है, ये भी एक बात बताया गया है। वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, मैं जो बताया आपको MnO2 में से O2 हट रहा है तो ये क्या हो गया है रिड्यूस हो गया है। ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं H का तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cl में से ये H हो गया। एक वही बात है कि NCERT में पूरे बातों को क्लियर नहीं किया जाता है, तो मैं दो बात आपको बता ही देता हूँ। जब H हटेगा तो भी क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और H जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा रिडक्शन, ये भी आप याद रखें। हाइड्रोजन का हटना क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाता है रिडक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ Cl से हट रहा है तो Cl का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और यदि कहीं पे हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो क्या हो जाएगा रिडक्शन। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत चीज़ है तो आप इसे हेल्प बुक से पढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ सब्सटेंसेस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ये हाइड्रोजन का बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज, इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज रिड्यूस। तो हाइड्रोजन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बता देता हूँ, क्लियर पूरे पिक्चर को आपको दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हटना हो गया रिडक्शन, इसी प्रकार से इसका उल्टा। अब हाइड्रोजन यदि जुड़ता है तो ये हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन यदि हटता है तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया रिडक्शन, क्लियर। ऑक्सीडेशन का हटना हो गया रिडक्शन और हाइड्रोजन का हटना हो गया ऑक्सीडेशन। तो आप एक आध बार इसे रिवाइज कर लें तो आपको याद हो जाएगा। चलिए यहाँ भी आप देख सकते हैं Mg प्लस O2 था तो इससे क्या बन रहा था MgO बन रहा था, तो बैलेंस नहीं है लेकिन MgO, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो गया है। इसके बाद अब दो पैराग्राफ बच गया, इसे मैं पढ़ा देता हूँ। कोरोजन, इसके बारे में आप आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यू हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी वेन यू बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर वेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। आयरन को आप जब छोड़ देंगे कुछ समय के लिए तो आप देखेंगे कि उसमें चित्ती जम जाता है या वो ब्राउन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये भी एक कोरोजन है, मतलब कि इसका अपना स्वरूप बदल लेना वह क्या होता है कोरोजन कहलाता है, और आयरन के केस में इसे हम लोग क्या बोलते हैं रस्टिंग बोलते हैं, स्पेशल नाम देते हैं। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर, तो टार्निश माने क्या हो गया अपना स्वरूप बदल देना, उसमें बहुत सारे अलग अलग पदार्थों का जमा हो जाना। हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर और सिल्वर, चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ से आप लिख लीजिए। द कलर ऑफ कॉपर एंड सिल्वर चेंजेस टू विच कलर वेन दीज आर कोरोडेड, कॉपर और सिल्वर का कलर किस रूप में चेंज हो जाता है जब उन पे कोरोजन होता है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ट बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड एंड सम अदर सब्सटेंसेस इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो एक और प्रश्न लिख लीजिए, व्हाट इज कोरोजन, तो यहाँ देख सकते हैं आंसर यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि जब कोई मेटल अपने सराउंडिंग के मॉइस्चर से एसिड से या कुछ अन्य पदार्थ से रिएक्ट करता है
तो वो टार्निश हो जाता है या फिर कोरोड हो जाता है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो जो इसके पहले मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि कॉपर और सिल्वर का जब कोरोजन होता है तो इनका कलर कैसे चेंज होता है, ये भी बहुत, ये सारे जो एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोर्ड्स में, या फिर आप जब कंपिटिटिव एग्जामिनेशन पूछे तैयारी कर रहे हैं तब भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप प्रत्येक लाइन से जो भी प्रश्न होते हैं कम से कम ये जाने कि कौन से प्रश्न आने वाले हैं, तभी तो आप उसे याद कर सकेंगे। तो यह प्रश्न था कि सिल्वर का कलर क्या कैसे चेंज, मतलब किस कलर में परिवर्तित हो जाता है, तो वह ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाता है, या ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। और जो आपका कॉपर है उस पर कैसा कोटिंग चढ़ जाता है, तो ग्रीन कलर। तो जो आयरन पे कैसा कोटिंग चढ़ जाएगा, तो ब्राउन कलर। तो ये आप याद कर सकते हैं। कोरोजन काउजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। तो ये तो आप जानते हैं कि यदि आप जंग लग रहा है, आयरन में जंग लग रहा है और ये कोरोजन हो रहा है, तो उससे वह उसमें काफ़ी क्षति होती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन, तो आयरन में कोरोजन बहुत ज़्यादा होता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एवरी ईयर, एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज आयरन। इसी के लिए आप देखते हैं कि कोरोजन को ठीक करने के लिए उसमें ग्रीस लगाया जाता है, पेंट लगाया जाता है। तो यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। तो ये मैंने पहले बताया कि आगे के चैप्टर में हम लोग इसे विस्तृत में पढ़ने वाले हैं कोरोजन को। अब आगे एक और टॉपिक रेंसिडिटी, और ये लास्ट टॉपिक है। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम? तो कुछ ऑयली चीज़, या फिर मान लीजिए कुछ चिप्स वगैरह जो कि बहुत टाइम के लिए आपने छोड़ दिया, उसे क्या आपने टेस्ट किया है, और वो यदि टेस्ट करें तो कैसा आपको लगता है? व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। यूजुअली सब्सटांसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटी ऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं रेंसिडिटी किसे कहते हैं। तो प्रश्न लिख लीजिए, व्हाट इज रेंसिडिटी? इसका आंसर यहाँ से लिख लीजिए, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज। बस एक ही लाइन का ये आंसर है कि जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज, तो वो रेंसिड हो जाते हैं, दे बिकम रेंसिड, और उसका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट आर चेंज्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। ठीक है, तो ये रैंसिडिटी में क्या हो गया, सिंपल सा एक आंसर है, फैट एंड ऑयल का क्या हो रहा है, फैट एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं, जिसके कारण उनका टेस्ट बदल जा रहा है और स्मेल भी बदल जा रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए है कि हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, सेंसिडिटी को आप कैसे कम कर सकते हैं या फिर इसे रोक सकते हैं। तो यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो इसका पहला आंसर क्या हो गया कि आप एंटी ऑक्सीडेंट्स का यूज किया जाता है। किस चीज़ का यूज किया जाता है, एंटी ऑक्सीडेंट्स का यूज किया जाता है रेंसिडिटी को रोकने के लिए। किस चीज़ का यूज करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके बाद दूसरा पॉइंट, फूड को एयर टाइट कंटेनर में हम लोग रखते हैं। फूड को क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। और डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। और तीसरा क्या करेंगे, पहला क्या हो गया, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करेंगे, दूसरा एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, और तीसरा क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस वगैरह का यूज़ करेंगे जिससे कि ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सीरीज समझ में आया होगा। यदि आपने प्रश्न और उत्तर किए होंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये होगा। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को खोलें और बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं उन्हें देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।